सर गुड इवनिंग। कल आप लोग का कंपनी लॉ का एग्ज़ाम है, सजेशंस कुछ क्वेश्चंस जो हमको लगता आना चाहिए। देखो पहले तो 20 नंबर का एक एक मार्क का क्वेश्चन है और फिर दो दो मार्क का 30 क्वेश्चंस है, टोटल 80 मार्क्स है आपके, 60+20। नाउ क्वेश्चन जिस हिसाब का पिछले टर्म में आया उसके बेसिस पे तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही टफ किया पेपर को ईजी रखा इन्होंने। नाउ मीटिंग्स चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, हर चैप्टर 16 मार्क का वेटेज रखता है आपके। यहाँ पे मीटिंग्स में सबसे पहले 21 क्लियर डेज याद रखना नोटिस का, कि 21 क्लियर डेज होना चाहिए एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ नोटिस, और पोस्ट से अगर होता है तो 48 आवर्स के बाद। कौन कौन मीटिंग कॉल कर सकता है वो अथॉरिटी याद रखना, ट्रिब्यूनल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रिक्विजनिस्ट। रिक्विजनिस्ट जो मीटिंग कॉल करता है उसको 45 डेज के अंदर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रखना है, और रिक्विजनिस्ट के पास एक्स्ट्रा 45 मतलब 90 दिन है। AGM किस दिन हो सकता है वो पता होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए तो वो तो अपने को पता होना चाहिए। नाउ AGM पहला AGM 9 मंथ्स विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें रखने से आपको वैलिड है। सबसिक्वेंट AGM 15 मंथ्स का गैप नहीं हो सकता, से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और हर एक कैलेंडर ईयर में एक AGM होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद AGM का रिपोर्ट है वो आपको AGM ख़त्म होते ही 30 डेज के अंदर में ROC को देना होगा, ख़त्म। इसके बाद आपका प्रॉक्सी, एक बंदा कितना जन के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है, 50, ये अपने को पता होना चाहिए, और 10% मैक्सिमम पेड अप कैपिटल को रिप्रेजेंट कर सकता है वो। नाउ प्रॉक्सी का क्या राइट है, ही कैन ओनली स्पीक ऑन अ पोल, ही कैन डिमांड अ पोल एंड नो राइट टू स्पीक एक्सेप्ट ऑन अ पोल, ख़त्म कहानी। सर जी प्रॉक्सी कोरम के लिए काउंट नहीं होता, कोरम का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 पब्लिक प्राइवेट के लिए, और पब्लिक के लिए 1000 मेंबर है तो कितना, 1000 से 3000 तो कितना, और 3000 के ऊपर कितना, 1000 है तो 5, 1000 से 3000 तो 1000 से 3000 तो अपने को कितना, 15, फिर उसके बाद अपना 1000 से 5000 तो 15, और 5000 के ऊपर तो 30 होता है, तो वो अपने को ये पता होना चाहिए। इसके बाद अपना ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है, जिसमें 50% से ज़्यादा अगर यस बोल देता है ऑफ द पर्सन प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग पे क्वेश्चन हो सकता है, तो सिचुएशन में सर जी ऑर्डिनरी। अगर टाई हो जाता है तो चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट है, ही मे यूज़ इफ़ इट इज़ ऑथराइज इन द आर्टिकल्स, तब वो यूज़ कर सकता है, अदरवाइज उसको दरकार नहीं है। तो ये हो गया आपका वोटिंग को लेके चेयरमैन का। इसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन जिसमें वोट्स कास्ट इन फेवर मस्ट बी 3 times द वोट्स कास्ट इन द अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, तो वो अपने लिए स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाता है, ख़त्म हो गया कहानी। इसके बाद अपने को इसके अंदर में ध्यान रखने का है कि ऑर्डिनरी बिजनेस क्या क्या होता है, 4 होता है, एडप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये 4 है। स्पेशल बिजनेस उसको छोड़ के जितना है वो, हर एक स्पेशल बिजनेस में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होना जरूरी है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके मीटिंग्स में ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिए। मिनट्स प्रिपेयर होते हैं, 30 डेज के अंदर में साइन हो जाता है, चेयरमैन साइन कर देता है, हर पेज इनिशियल होना चाहिए और लास्ट में डेटेड एंड साइंड होना चाहिए, ये मिनट्स है आपका। और उसके बाद आपका इसके अंदर में ये अपने को पता होना चाहिए कि कोरम हाफ एन आवर के अंदर में नहीं आता है तो मीटिंग को क्या कर दिया जाता है सर जी, एडजर्न कर दिया जाता है फॉर द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे, और उसके लिए 3 दिन पहले तक आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ये आपका सिस्टम है। हाँ अगर रिक्विजनिस्ट का मीटिंग है तो अगर कोरम नहीं आया आधा घंटा के अंदर में तो वो मीटिंग डिसॉल्व हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ख़त्म। अच्छा मीटिंग के केस में एक चीज़ और याद रखना कि मीटिंग में आप जब आओगे तो चेयरमैन होगा मीटिंग में, चेयरमैन को 15 मिनट के अंदर में आ जाने का, अगर 15 मिनट में नहीं आता तो जो बंदे अपने में एक को चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं, अगर उसको लेके कोई झमेला हो जाता है तब उस सिचुएशन में पोल डिमांड कर सकता है, तो अगर पोल डिमांड हुआ तो उसी समय आपको पोलिंग रखना होगा उसी समय, नहीं तो पोलिंग अगर कभी भी डिमांड होता है तो 48 आवर्स के अंदर रखा जाता है, डैट इज़ द केस। अब पोल रखा जाएगा, पोल 48 आवर्स के अंदर होता है लेकिन दो सिचुएशन में तुरंत होता है, एक एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग को लेके अगर बात है वो, या फिर सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन को लेके, उसमें तुरंत लेना पड़ता है, बाकी सब केस में 48 आवर्स के अंदर, ये अपने को पता होना चाहिए। इसके बाद सर जी अपना इसके अंदर में आता है, हाँ ई वोटिंग, आज के दिन एक नया कॉन्सेप्ट है ई वोटिंग को लेके,
तो ई वोटिंग किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग है, रिमोट वोटिंग है, जिसमें आदमी घर बैठे बैठे भी सर जी वोट कर सकता है. डेट इज़ वॉट ई वोटिंग इज़ ऑल अबाउट. इसके अंदर में आपको आने का दरकार नहीं है. तो अगर कोई बंदा ई वोटिंग कर चुका है तो वो आ सकता है मीटिंग में, लेकिन वो वापस वोट नहीं कर पाएगा, ये याद रखो. और आपको एक महीना पहले ही 30 days बिफोर द मीटिंग आपको यूज़र आईडी पासवर्ड और सब दे दिया जाएगा कि अगर आप चाहें तो आप ई वोटिंग कर सकते हैं. डेट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट. तो अपने को ये पता होना चाहिए. ये अपना सर जी मीटिंग से रिलेटेड है. मोर और लेस मेरे को लगता है कि इतना अगर पता रहे तो बेसिकली 16 में से 10-12 नंबर तो इससे आना चाहिए मोर और लेस. बाकी आई डोंट नो. हाँ, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग होता है, AGM होता है, दो टाइप का मीटिंग होता है. शेयर होल्डर्स मीटिंग का बात हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, आपके नॉर्मल मीटिंग्स का ही बात है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर पूछ लिया तो साल में 4 होना चाहिए, हर क्वार्टर में 1 होना चाहिए, 3 महीने का गैप हो सकता है मैक्सिमम. डैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट. इतना पता होना चाहिए. रिजोल्यूशंस पते होने चाहिए कि रिजोल्यूशन होता क्या है, कि भाई जो डिसीजन लिया जाता है उसको अपने रिजोल्यूशंस बोलते हैं, उसके ऊपर बात होता है. बेसिकली कंपनी में जो डिसीजन लिया जाता है वो शो ऑफ हैंड्स के बेसिस पे लिया जाता है, हाथ उठा के. अगर 50% से ज़्यादा हाँ बोले हैं तो पास हो गया, और 50% से कम बोले हैं तो ना हो गया. डैट इज़ वॉट. हाँ, ये सारा आपका सर जी मीटिंग से रिलेटेड है. मेरे हिसाब से इतना कर लेने से आपका मीटिंग सेटल हो जाएगा. बाकी चैप्टर का सजेशन तो अदर बात डाल रहे हैं सर. थैंक यू.